बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आज की वीडियो क्लास थ्री की मॉडर्न इंग्लिश पर है और बच्चों आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर फोर अब्दुल सत्तार ईदी इसकी जो रीडिंग हमने कर ली थी आज मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ आज हम जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन का पार्ट वन शेयर करेंगे इंशाल्लाह फिर आने वाली वीडियोस में आपके साथ इसका पार्ट टू भी शेयर किया जाएगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को आप सब बच्चे पेज नंबर थर्टी सेवन को ओपन कर लें पहले हमारे पास है कुछ क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है वर्ड डज द वर्ड फिलंथ्रोपिस्ट मीन्स लफ्स जो है फिलानथरोपिस्ट उसका मतलब क्या है तो इसका आंसर देख लीजिए फ्लॉन्थ्रोपिस्ट मींसू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स क्वेश्चन नंबर टू वेन डिड अब्दुल सतार ईदी ओपन द फर्स्ट डिस्पेंसरी अब्दुल सतार ईदी ने सबसे पहली डिस्पेंसरी कब खोली थी कौन से सन में खोली थी इन नाइनटीन फिफ्टी वन हु आर द वॉल्टियर्स अब्दुलसतार ईदी फाउंडेशन एंड ऑफ द जॉब दे डू वो कह रहे हैं अब्दुलसतार ईदी के जो फाउंडेशन थी जो इधारा था उस इधारे में वॉल्टियर कौन होते हैं और आपने बताना है कि उनका काम क्या होता है तो इसका आंसर लिखिए बच्चों पीपल हु आर स्टिंग टू बिकम डॉक्टर्स बिकम ईदीज फाउंडेशन वॉल्टियर कि वो लोग जो सत्तार इदी के फाउंडेशन में वॉल्टियर के तौर पर काम कर रहे हैं बेसिकली वो वो लोग हैं जो अभी डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहे हैं कॉमन पीपल कैन ऑल्सो बिकम देयर वॉल्टियर्स दे प्रोवाइड पीपल विद मेडिसन्स हेल्प एंड टेक केयर ऑफ हार्म ऑफ होमलेस पीपल दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ बेबीज एंड चिल्ड्रन हुज फैमिलीज कॉन्ट टेक केयर ऑफ़ देम नेक्स्ट क्वेश्चन मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु आर द ईदी फाउंडेशन हेल्प उन लोगों के नाम लिखे आप या उन लोगों के बारे में बताए मदद ईदी फाउंडेशन कर सकता है ईदी फाउंडेशन हेल्प दिख द होमलेस ऑर्फेंस एंड बेबीज एंड चिल्ड्रंस हु फैमिलीज कान टेक केयर ऑफ दम नेक्स्ट क्वेश्चन वट एक्सपीरियंस विच ईदी हैड वेन ही वॉज यंग टू वॉन्ट टू हेल्प अधर्स ऐसा कौन सा पुराना एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से एदी को, एदी के, के, जब ईदी जवान हुए तो उनका ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो लोगों की मदद करें आंसर ईदीज मदर टॉट हिम टू हेल्प अधर्स हिज मदर डेली गेव हिम टू पैसा वन पैसा फॉर हिज लंच एंड वन पैसा फॉर पीपल सम बॉडी एल्स

वट डिड ही डू टू हेल्प अदर दूसरों की मदद के लिए वो क्या करते थे ही स्टेब्लिशवर्क ऑफ मेडिकल डिस्पेंसरी प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दीडी पीपल्स वेम्स वॉज ही गिवन देंगल नहीं बल्कि बच्चों ये लफ्स है एंजल ए एन जी एल ई एंजल ऑफ मर्सी रहम का फरिश्ता अब ये चैलेंज भी कर लेते हैं वट इज इमरजेंसी टेलीफोन नंबर should शुड पीपल ओनली कॉल इट इन emergency? वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी के लिए अगर हमने कोई नंबर डायल करना है तो कौन सा वो नंबर डायल करेंगे और वो लोग लो जो हैं वो डायरेक्ट इसी नंबर पे कॉल क्यों करते हैं द मेन इमरजेंसी नंबर इज वन वन फाइव वी शुड कॉल ओनली वेन वी हैव एन जेंसी अदरवाइज वी मे ब्लॉक सम बॉडी एल्स कॉल हु एक्चुअली नीड्स हेल्प नेक्स्ट पेज बी पार्ट वर्किंग विद वर्ड्स इसमें आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ऊपर ब्लॉक में लव्स गिवन है आपने इसके हिसाब से वर्ड्स पुट करने हैं ब्लैंक के अंदर अब्दुल अब्दुल्सतार इदी वोजा फिलानथ्रोपिस्ट He was a Muslim and he believed that people should help others. He was known as the angel, angel of mercy. He was married to Bilkees. He set up the IDI Foundation in Pakistan. The foundation gets money from donation. Most people who work for the foundation are volunteers. IDI started with one ambulance, but now the foundation was over 1,800 of them. तो बच्चों ये मेरी आज की वीडियो थी इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़